हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप बड़े होंगे भाई। मैं भी एकदम बड़े हूँ। काफी टाइम बाद इस चैनल पर ब्लॉग आ रहा है। उसका रीजन ये है कि भाई हमने मोटो ब्लॉग के लिए बना लिया है दूसरा चैनल, और आप सोच रहे हो कि भाई सीधा ब्लॉग आ रहा है और सीधा गाड़ियों में बैठे हुए। तो सीन क्या भाई, हम जा रहे हैं अहमदाबाद, और अहमदाबाद से हमें जाना कहीं और। पहले अहमदाबाद तक हम जा रहे हैं फ्लाइट से, और उसके बाद जाएंगे हम गाड़ी से। तो सीन भाई यही है, अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं और लेट हैं काफी ज्यादा, हर बार की तरह जैसे होते ही हैं। मतलब भाई मैं पूरी रात नहीं सोया था, सुबह आके मेरी एक घंटे के लिए आग लग गई, तो भाई वही मामला खराब हो गया। और रवि भाई भी लेट ही थे, मतलब सब लेट थे, थोड़ा थोड़ा लेट थे और नींद पूरी गई उसके बाद भी। भाई ये तो बहुत जल्दी सो गए थे, उसके बाद भी नहीं, ऐसा लग रहा थोड़ा और सोया था। सीन यही है, और किस लिए जा रहे हैं, हमारी एक है बिजनेस मीटिंग, तो उस वजह से हम जा रहे हैं। और जो भी है वो अली वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या है, किस वजह से हम गए थे वहाँ पर। बस यही सीन है, आईपैड मैंने हाथ में रख रखा भाई कूल लगने के लिए। आईपैड हाथ में रख रखा मैंने, कूल लगूंगा थोड़ा तो मजाक कर रहा हूँ, मेरे बैग में जगह नहीं है, और ये आईपैड का साइज़ बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने हाथ में रख रखा है। कहाँ से एंट्री देखी है, बहुत भीड़ है भाई यहाँ तो। क्या कह रहे हो यार, वाकई में ज़्यादा भीड़ है, पूरा पूरा ऐसा महसूस करवा रहे हो, हम पहली बार आए, अरे कहीं कमी नहीं छोड़ रहे। चलो चलो चलो, तो भाई चेक इन कर रहे हैं। हमारा सारा लगेज बस यही है जो हमारे हाथ में, और बैग है पीछे, मतलब हैंड बैग में चला जाएगा, 7 किलो तक है, अलावा कम ही होगा, तो हल्का ही है। तो बस चलते हैं, और भाई भीड़ इतनी है ना बहुत ज़्यादा, देख रहे हो भाई कितनी भीड़ है, कितनी लंबी लाइन है। अभी तो बहुत लंबी थी, इतने आगे आ गए हैं। मैं बोल रहा हूँ इनसे बोल दो ना, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमें जल्दी वो दे दो बोर्डिंग। कुछ पता नहीं दिल्ली में इतने हो रहे हैं कि इनमें से 3-4 निकल जाए, और हमारा भी है भाई। भीड़ देख रहे हो कितनी हो रही है, सिंपल सा एक चक्कर है, अब तो पत्थर फेंक के मारो, उठा नहीं जाके यूट्यूबर के लगना है, ब्लॉगर के लगना है। चेक इन तो हमने कर लिया है, और अभी फ्लाइट में है, टाइम 10-15 मिनट टाइम है बस बोर्डिंग में। मतलब टाइम से पहले पहुंच गए थे, क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिला हमें, लगा था ट्रैफिक मिलेगा, पर आज संडे था तो आज ट्रैफिक नहीं मिला हमें। लेकिन भाई फिर भी इतना टाइम लग गया, इतना रश है ना, इतना रश है, राजेश चौक मेट्रो ही होगा, और यहाँ पे देखो कैसे पड़े हुए हैं, लाशें पड़ी हैं यहाँ तो। खैर चलो चलते हैं भाई, अब किधर चलना है, फ्लाइट की साइड ही। चलो भाई, हमने सोचा था लॉन्च में बैठेंगे, अब जल्दी पहुंच गए हैं, पर इतना टाइम लग गया चेक इन करने में। देखना भाई भीड़, कोई कह सकता है ये एयरपोर्ट है, पूरा राजीव चौक बना हुआ है। अब समझ में आया भाई ये क्या इतनी भीड़ क्यों थी यहाँ पे, क्योंकि ये एयरपोर्ट नहीं है, मेरे ख्याल से बस स्टैंड वगैरह है, बस से लेके आ रहे हैं। पैसे हमने फ्लाइट के टिकट के दिए थे, लेकिन जाना बस में पड़ रहा है। भाई मुझे तो आ रही है नींद, और मैं तो जा रहा हूँ सोने, इतने फ्लाइट उधर की जरा मस्त सोता हूँ, काम काम वाम कुछ नहीं, वो ला के छोड़ देंगे ना, इतने से मैं नहीं देखेंगे, हम इतने सूट उठते हैं अपना, मस्त सोते हैं, और इतना आप टाइम लैप्स वगैरह देखो बाहर के, मस्त शॉट्स। क्या मेहनत चल रही है, दो दो फोन बस दिखाने के लिए, हाथों में दर्द हो गया मेरे। हाँ बोल तो दिया कि सो रहा हूँ, सो नहीं भाई, व्यू दिखाने के लिए पकड़ा हुआ है उसे दिखाओ उसे। और ये देखो इसे उठा दो, कहीं सोता रह जाए। पता नहीं क्या कर रहा है भाई, आधे सो गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
तो वाइज वापस आ रहे हैं बस में और बहुत से दिल्ली से एग्जिट करते हैं यहाँ से। गाड़ी का इंतजाम किया जा रहा है। मुंबई में सागर भाई लेने आ गए हैं और अब यहाँ से जा रहे हैं सागर भाई के घर और वहाँ से फिर हम निकल जाएंगे भाई अपना राजकोट के लिए, क्योंकि हमें आज ही आज में पहुँचा है। 6-7 घंटे के करीब का रास्ता है ना भाई, 6 घंटे और रोड का भी हमें पता नहीं, वाली नया रोड है तो हमारा आराम से जाएंगे अपना। फाइनली भाई हम निकल गए, सागर भाई चले गए अपने घर और भाई कार हमने ले लिया, अब इससे जा रहे हैं हम। देखते हैं भाई यहाँ से 250 किलोमीटर के आस पास है और पता नहीं कितना ही देर का रास्ता, क्योंकि रोड हमारे देखे भी नहीं, हाईवे हमने देखे नहीं कि कैसा रोड है, कितनी देर में पहुंचेंगे, पर ये है कि भाई सेफली पहुंचेंगे, आराम से जाएंगे अपना मस्त और पहुंच ही जाएंगे रात तक। और मौसम देखो क्या मस्त हो रहा है, आप बादल वादल देख रहे हो कितने जबरदस्त हो रहे हैं, जबरदस्त मौसम हो रहा भाई एकदम। देखते हैं भाई मैकडी वगैरह होगा तो भाई खाने के लिए कुछ डाल लेंगे। हमारा सीन क्या है कि हमने ये सोचा कि रुकेंगे कम चलेंगे ज़्यादा, तो वही सोच रखा है कि देखते हैं कुछ खाने का होगा तो गाड़ी में डाल के और निकल जाएंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद हम रुके हैं मैकडोनल्ड्स पे और हमने ड्राइव थ्रू ले लिया है खाने के लिए कुछ, क्योंकि हमने लंच किया नहीं था। हमने सोचा निकलते हैं पहले यहाँ से जल्दी से, हाईवे से कहीं से ले लेंगे, तो हमें मैकडी दिख गया। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें यही लगा कि भाई पता नहीं क्या टेस्ट मिले क्या ना मिले, इससे बढ़िया अपना ले और खाओ। रमी भाई का वॉशरूम भाई, मैं इतने खा पी लेता हूँ और मैं तो सोया था 10 मिनट के लिए, रमी भाई ने तभी रोक दिया कि भाई उठ जाओ मैगडी आ गया कुछ खा लेते हैं। मैंने कहा चलो भाई कुछ खा लेते हैं, क्योंकि लंच किया नहीं था हमने, जैसे कि मैंने बताया अभी खाते पीते हैं और भाई फिर निकलते हैं अगली साइड। ये रहा भाई अपना खाना पीना। अब मेरा कौन सा है इसमें, दोनों सेम ही लग रहे हैं मुझे तो। ये देखो भाई क्या ही तगड़ा जाम लग रहा है, अभी मैं सो के उठा और मुझे ये देखने को मिला बहुत तगड़ा जाम। कितनी देर का जाम दिखा रहा है ये नहीं दिखाया हुआ ना, बहुत तगड़ा जाम है भाई आगे तक जाम है। और ये देखो भाई एक चीज नई देखने को मिली यहाँ पे कुछ मुझे गुजरात में, ये कुछ लोडिंग वोडिंग का सीन है, जुगाड़ से बना रखा बाइक का। ठीक है ये भी सही है, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और बारिश भाई कंटिन्यू हो रही है, मैगडी से निकलते बारिश स्टार्ट हुई और अभी तक बारिश हो रही है, मैं तो गाड़ी से निकल गया, देखते हैं क्या सीन है। सो भाई पहुंच गए और चेक इन हमने कर लिया है, रूम टूर दे देता हूँ मैं, इसके लिए मैं बाहर आया हूँ, वरना हमने चेक इन पहले कर लिया। अंदर से रूम वूम मैंने देख लिया, ये देखो भाई गेट है और ये रहा एसी, ये रहे रमी भाई, और रूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है और वॉशरूम उससे भी ज़्यादा अच्छा है उससे भी ज़्यादा। और ये देख रहे हो एक हैंडसम बॉय, तो यही है भाई कुछ ऐसा सा बढ़िया है, बिल्कुल ज़बरदस्त, बालकनी वगैरह नहीं है लेकिन इधर मिरर और इधर से व्यू दिख रहा काफ़ी, 9th फ्लोर पे है। और भाई मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ गाड़ी चला के पूरे रास्ते, भाई मैंने गाड़ी नहीं चलाई, रमी भाई ने गाड़ी चलाई पूरे रास्ते, मैंने मस्त मैं तो सीट पीछे करके लेटा हुआ भाई मैं मस्त सीट पीछे करके लेटा हुआ। देखो मैं भी ये देख रहा था, देखो देखो ये देखो तुम मस्त लेटे हो भाई, सोता जा रहा था भाई, बीच में आग खुल रही थी, खा पी रहा था, मैगडी का जो सामान ले रहा था वो सब खाया पिया, फिर सो गया यही रहा था भाई पूरे रास्ते। अब रात में आके मैं जाग गया था, अब पहुंच गया है मस्त, अपना रेस्ट वेस्ट करते हैं थोड़ा सा, फिर डिनर विनर करने चलते हैं, देखते हैं क्या खाएंगे क्या पीएंगे। बारिश बहुत बढ़िया थी, बारिश भाई पूरे रास्ते बारिश मिली है, वो भी बता रहा था मैं कि मैकडॉनल्ड से जो निकले हम और अभी तक बारिश ही हो रही है, मतलब हल्की फुल्की हो ही रही है। तो भाई अभी हम एक जगह तो आए लेकिन मुझे नहीं पता कौन सी जगह है, मतलब मुझे क्या रवि भाई को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कौन सी जगह है, ढूंढते डांटते आए और मैकडॉनल्ड्स तो खुला है 1 बजे तक, लेकिन हमने सोचा कुछ रोटी वोटी खाते हैं भाई, तो फिर हमने यहाँ पे देखा, देखते हैं भाई टेस्ट, पहले टेस्ट करके देखेंगे कैसा खाना है, क्योंकि मैंने ये सुना कि यहाँ पे मीठा मीठा होता है बस, दाल मखनी और रोटी सीन है। अभी बस मंगाते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है, दोबारा मुँह में पानी आ गया उसको देखते बोल दिया तुमने दाल मखनी और रोटी, तो बस सही यही है सीन, एक बार ऑर्डर करें पहले थोड़ा मंगाएंगे फिर खा के देखेंगे, अगर टेस्ट अच्छा लगा तो भाई और मंगा लेंगे। तो भाई खाना आ गया और हमने खा भी लिया और भाई पहले तो टेस्ट करा कि कैसा होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, पता नहीं क्योंकि सेटिस्फाई हो पाएंगे, पर ये है कि भाई खाना ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, दिल्ली वालों को का ही पसंद आया कहीं का खाना, पर ये अच्छा था, इतना सोचा था ना इससे अच्छा था, खाली पेट नहीं उठे खा लिया गया, पर यह है कि वो टेस्ट वो कहाँ ही मिलेगा भाई, दिल्ली के अलावा तो कहीं मिल ही नहीं सकता। तो भाई अब वापस चलते हैं होटल और अपना मस्त डाटा वाटा कॉपी करके सोते हैं। अब देख रहे हो भाई लोग मॉर्निंग हो चुकी है और ये देखो भाई ये जेट खड़ा हुआ था नीचे सर्कल पर और मुझे पता भी नहीं भाई, रात को पता ही नहीं चला, दिखा ही नहीं, अब मैं सुबह उठ के देख रहा हूँ, मैंने कहा भाई ये कहाँ से आ गया, और ये देखो कुछ ऐसा सा है यहाँ का व्यू, बिल्डिंग्स वगैरह है सामने, रात में तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, अब दिख रही है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। और भाई ये व्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर लो मेरा यूट्यूब चैनल। आज है हमारा डे 2, तो आज का व्लॉग आएगा जल्दी, इसके बाद जो व्लॉग आएगा तो बस ये